Subscribe now to receive new updates every day. 6 महीने पहले ही बंद हो गई थी कुंबले कोहली के बीच बातचीत। भारतीय टीम के कोच पद से इस्तीफा देने के बाद अनिल कुंबले और कप्तान विराट कोहली के विवाद को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारी मिली है कि कुंबले कोहली के बीच पिछले 6 महीने से बातचीत बंद थी। कुंबले ने चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होने के बाद 20 जून को इस्तीफा दे दिया था। कुंबले ने उस समय इस्तीफा दिया जब टीम इंडिया वेस्ट इंडीज दौरे के लिए रवाना हो चुकी थी, जहां उसे 23 जून से 5 वनडे मैचों और एक टी20 मैच की सीरीज खेलनी है। कुंबले और कोहली के बीच मनमुटाव की खबरें चैंपियंस ट्रॉफी के पहले से आना शुरू हो गई थीं, लेकिन अब कुंबले ने खुद ही इन खबरों की पुष्टि कर दी है। BCCI सूत्रों के मुताबिक कोहली कुंबले के बीच 6 महीने पहले से ही बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी ये दोनों इतने लंबे समय साथ काम करते रहे। BCCI के एक सूत्र के मुताबिक इन दोनों कोहली कुंबले ने पिछले साल इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ही बातचीत बंद कर दी थी। समस्याएं थी, लेकिन ये हैरान करने वाला है कि इन दोनों के बीच पिछले 6 महीने से ठीक से बातचीत नहीं हो रही थी। फाइनल के बाद रविवार रात को उन दोनों को बातचीत के लिए आमने सामने बिठाया गया और दोनों इस बात से सहमत थे ये ठीक नहीं हो सकता। साथ ही खबर ये भी है कि BCCI की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी CAC में शामिल सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और VVS लक्ष्मण द्वारा कुंबले के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर हरी झंडी नहीं दी गई थी, बल्कि CAC ने ऐसा इस शर्त के साथ किया था, कोहली कुंबले विवाद के सभी मामलों को सुलझाने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद भारतीय टीम के होटल में 3 अलग अलग बैठकें हुई। पहली बैठक में कुंबले BCCI के टॉप अधिकारियों और CAC के साथ मिले। दूसरी मीटिंग में कोहली ने BCCI अधिकारियों और CAC से मुलाकात की। तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक में इन लोगों के साथ कोहली और कुंबले भी आमने सामने हुए, लेकिन ये बैठक पूरी तरह फेल रही क्योंकि इन दोनों के बीच कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.